जी अस्सलाम वालेकुम। सो एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू लास्ट क्लास क्वेश्चन दैट वी डिड, एनी क्वेरीज रिलेटिंग टू द लास्ट क्लास क्वेश्चन दैट वी डिड? यू हैव 20 सेकंड्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट द क्वेश्चन दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास। आई होप दैट यू मस्ट हैव कंप्लीटेड दैट बाय नाउ। All good. All right. So I'm starting the screen sharing. Today we are going to do another question on cash budgets. And the question is November 8. This is the one. This is, June 8, paper 4, question number 3. June 8, paper 4, question number 3. I repeat, June 8, paper 4, question 3. So beta, just download this in your respective devices, or you can just take the screenshot from here. So just take the screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Another screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. And that's it. We are not supposed to do the rest of the parts, but just take the screenshot for the required section. We will be doing the other parts once we will do other aspects of budgeting. But we, for now, we just do part A, which is cash budgets, because this is the only thing that we have learned till now. Five, four, three, two, one. So quickly, beta, ek kaam ye karte hain, aap pehle shuru se lekar padhe. कहाँ तक? 1, 2, 3, बल्कि 1 तो आपका ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया आपका, ये तो एंड में आएगा। 2, 3 एंड 4 ये पढ़ें और इसका ट्री डायग्राम बनाएं पहले, ठीक है, ये पढ़ के इसका ट्री डायग्राम बनाएं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। The hint is that this thing is same as question number 2 from the notes. Tree diagram jo banega, wohi jo humne question number 2 mein padha tha notes ke, same waisi banega. You have 1 more minute. We have less than a minute left. Hurry up. Mm-hmm.
All right, Jay. So the tree diagram. This should go something like this. कि जो आपकी सेल्स हैं उसका 10% तो कैश है तो सेम मंथ में 10% हो जाएगा, ठीक है, और एक महीने बाद ये डिस्काउंट मैंने कहा था बाद में लेना आप, ठीक है, डिस्काउंट को बाद में देखेंगे. इट इज बिलीव दैट हाफ ऑफ ऑल द क्रेडिट कस्टमर्स का हाफ, तो अगर 10% कैश है तो क्रेडिट कितना होगा 90%, तो इसका हाफ एक महीने बाद होगा. तो अगर एक हाफ इधर हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा, बाकी हाफ, यानी के 90% का 50% उससे अगले महीने जो रिमाइंडर होगा, रिमेनिंग हाफ. तो ये ऑफ द रिमेनिंग सेल्स ऑफ द क्रेडिट सेल्स वाला जो क्वेश्चन टू में हमने किया था ये वो है. और डिस्काउंट विद इन अ वन मंथ वाले पे लगेगा, सो डिस्काउंट आप पे लगेगा within a 1 month वाले पे, तो 5% discount काट के यहाँ पर 95% आ जाएगा. So this is same as question number 2 from the notes. कोई change नहीं है, बिल्कुल वैसे ही हमने काम किया है. जी बेटा, किसी जी जी बोले. सर हम बोले मैंने 90% into 50% लिखा है, मैंने वहाँ पे 45% और नीचे 45% लिख दिया. That's fine. हाँ fine. 9 5s are 45 ही होता है. किसी ने समझना है तो दोबारा पूछ ले बेटा. ऑल गुड, ठीक है. अब आप क्या करेंगे, इसकी रिसीट्स निकालें, ठीक है. अब तो सिंपल, आपने सिंपल इसको टेबल पर अप्लाई करना है. और ये अच्छा पेमेंट्स की अब आप देखें जरा, पेमेंट्स को गौर से देखें. नंबर 5 पेमेंट वाली बात पढ़ें. तो सबसे आसान है पेमेंट, इसमें बहुत आसान है. ऑल मटेरियल्स विल बी पेड इन द मंथ फॉलोइंग द ऑर्डर और डिस्काउंट होगा 2.5%. तो फॉर एग्जांपल जून की पेमेंट होगी जुलाई में और इसके ऊपर आप 2.5% डिस्काउंट ले लेंगे तो इसका 97.5% हो जाएगा. सो ऑन सो फोर्थ अगले महीने में चाहता जाएगा, ठीक है. बाकी सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है. अब आपने क्या करना है, कैश बजट बेटा पूरा बनाना है आज की क्लास में. ऑलराइट, and while you are preparing the cash budget, if you have any queries, I'm available with you over the mic. You are free to ask me. Screen sharing मैंने रोक दिया बेटा. Good. ठीक है, so I'm here available with you over the mic. Just continue with the question.